अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया की। सेकेंडरी डिसमेनोरिया का हमने पहले बताया आपको कि पहले आपके शुरुआती पीरियड्स आपके नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन अब किसी कारणवश उनमें दर्द होना स्टार्ट हो गया, यानी कि पहले आपके पेनलेस पीरियड्स थे जो अब पेनफुल हो गए हैं, यानी कि 30s में 40s में आपके पेन्स का पैटर्न चेंज हो गया है, आपको ब्लीडिंग हैवी आने लगी है, या फिर आपको पीरियड्स के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस बहुत आके पेन आने लग गया, पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, या आपको बैकएक होने लगा है और वो दर्द आपका थाइस में रेडिएट कर रहा है, या इसके साथ में आपको एसोसिएटेड कोई हेडेक वगैरह भी हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। क्योंकि जिसको पहले पेन नहीं था और अब पेन होने लगा है, दैट मीन्स कि अब कोई नई बीमारी शरीर के अंदर बन रही है जिसकी वजह से ही आपको पीरियड्स में पेन या हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। तो इस समय आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्थिति को इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कारणों के बारे में कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जो 10 में से 1 महिला के अंदर पाई जाती है, और इसका डायग्नोसिस बनने में बहुत कई बार सालों टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें कई बार थोड़ा थोड़ा पेन होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता 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 काफ़ी हद तक फिर बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। शुरुआती अवस्था का पेन रहता है वो गोली लेके ठीक हो जाता है, कई बार इंजेक्शन से भी ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास तब पहुँचता है जब उसको असहनीय दर्द होता है, जब उसको दवाई से आराम नहीं आ रहा, इंजेक्शन से आराम नहीं आ रहा, अब उसकी मजबूरी हो जाती है कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बनाने में करीब 10 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन कॉज है, तो इसके लिए इसका सस्पिशन दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपने पीरियड्स के टाइम पे किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें और एंडोमेट्रियोसिस को एक्सक्लूड करवाएं। दूसरा कॉमन कारण है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो बच्चेदानी के अंदर मांसपेशियों के अंदर ट्यूमर बन जाता है, यानी गांठ बन जाती है। ये बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जानते हैं इसको। ये इसका पोजीशन बच्चेदानी के अंदर कैविटी की तरफ हो सकता है, या इसके मसल मास के अंदर हो सकता है, या कैविटी के बाहर की तरफ यानी पेट के अंदर बाहर की तरफ बन सकता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग नाम है कि बाहर वाले को सब सीरोजल बोलते हैं, बीच वाले को इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, और जो बिल्कुल अंदर है, जो कैविटी के अंदर है, उसको सब म्यूकोजल मायोमा बोलते हैं। अब जो पेन कॉज करता है वो है अंदर वाला फाइब्रॉइड, यानी कि जो कैविटी के अंदर है, तो कई बार ये मास की तरह अंदर कैविटी के अंदर बढ़ जाता है, तो बच्चेदानी इसको निकालने के लिए जैसे लेबर पेन्स आते हैं उस तरीके का कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करती है, और इस स्थिति के अंदर उसको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उसको पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चेदानी के लिए अंदर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो फॉरेन बॉडी है, जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। तो ये बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि वो कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की लोकेशन वाला अगर फाइब्रॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट तो सारे फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन ही है, बट ये वाला जो फाइब्रॉइड है वो नीचे से दूरबीन डालकर निकाला जा सकता है, जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी के नाम से जानते हैं। इसके लिए आप अगर अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कीजिए, और ये आपको सोनोग्राफी कराने से पता चल जाएगा कि आपका फाइब्रॉइड है या नहीं है, है तो किस टाइप का है और उसका क्या इलाज होगा। तीसरा कॉमन कारण ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, यानी कि अंडे दाने के अंदर पानी की गांठ हो सकती है, या और किसी प्रकार की गांठ हो सकती है, जैसे चॉकलेट सिस्ट हो सकती है। तो अगर अंडे दाने के अंदर किसी प्रकार की गांठ है तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस करके इस तरीके के हार्मोन्स बनाना या प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा क्रिएट करना, जिसकी वजह से पीरियड्स में पेन होने लगता है, या ओवेरियन सिस्ट खुद स्ट्रेचिंग के कारण पेन क्रिएट करती है, या फिर ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती है जिसके कारण यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, या सिकुड़न पैदा होती है जिसकी वजह से दर्द होता है। अब जो ओवेरियन सिस्ट जो सिंपल वाली यानी जो पानी की गांठ है वो इतनी ज़्यादा पेन नहीं करेगी, बट अगर एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस का एक टाइप है जो ओवरी के अंदर बन जाता है, उसको एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं, और चॉकलेट सिस्ट फिर एंडोमेट्रियोसिस है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन करती है। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हमारा डेयरी मिल्क जैसा या जो लिक्विड चॉकलेट होती है उसके जैसे गाढ़ा भूरे रंग का दिखता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। बट ये टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इसलिए पेन कॉज करती है, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन करती है, तो उसके लिए आप अपना डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और कारण एक्सक्लूड करवाइए। चौथा कारण एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस जो यूट्रस की मांसपेशियाँ होती हैं उनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटी हो जाती हैं, और यूट्रस की मांसपेशियों का थिकनेस बढ़ जाने के कारण
उनका कॉन्ट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो इन मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाती है और वहाँ भी पीरियड जैसा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, जिसको सिस्टिक एडिनोमायोमा या सिस्टिक एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और ये दोनों कारण ही पेट दर्द का यानी कि डिसमेनोरिया का बहुत ही कॉमन कारण है, और इसी दौरान ये ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी कॉज करते हैं, और मसल मास बढ़ने के कारण यूट्रस का साइज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, यानी कि 3-4 महीने का जब बच्चा होता है उतना साइज़ का जो यूट्रस होता है यानी कि अम्ब्लाइकस तक या उसके नीचे तक भी आ सकता है। तो इतना बड़ा यूट्रस होगा तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, पेन भी ज़्यादा होगा। एडिनोमायोसिस अगेन अ टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, और ये इसीलिए फिर कॉज पेन कॉज करता है क्योंकि ये वही एबनॉर्मल केमिकल्स बनाता है यानी प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाता है, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, इसकी वजह से पेन होता है। हमने अभी तक 4 कारण पढ़े जिसमें कि फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन सिस्ट है, और इसके अलावा एडिनोमायोसिस है। इसके अलावा और कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जो कि लेस कॉमन है, यानी कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या फिर बच्चेदानी का साइज़ का बढ़ जाना, या फिर और भी जैसे PID होना यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना, इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोलते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाना, या फिर किसी प्रकार की बच्चेदानी के अंदर मवाद बन जाना, ये सब भी इसका डिसमेनोरिया का कारण होते हैं। बट ये थोड़े कम कॉमन होते हैं, लेकिन हमने जो पहले डिस्कस किए 4 कारण वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, ये भी साथ में एक्सक्लूड करवाए जाते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड पैटर्न में चेंज हुआ है, आपका ब्लीडिंग बढ़ गया है, या आपको पहले दर्द नहीं था और अब दर्द होने लगा है, या आपका दर्द पहले मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता था और अब आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, या आपका दर्द इस प्रकार का है कि इंजेक्शन से या किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहा है और आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, या आप अपना फैमिली का टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ सम कॉज, कुछ ना कुछ बीमारी है, और उस बीमारी को पता करना, एक्सक्लूड करना, उसका डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे समय पर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करिए, क्योंकि अगर आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका बीमारी का डायग्नोसिस बनने में बहुत देर हो जाती है, और कई बार कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो सकती है कि जो लेवल 4 में यानी कि ग्रेड 4 में, स्टेज 4 में जाके हमें पता चलती है, या कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड है, पहले छोटा था और बाद में बहुत बड़ा हो गया, और 2 किलो 3 किलो 4 किलो के फाइब्रॉइड्स के साथ लेडीज़ जब OPD में आती हैं तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसको फिर दूरबीन से निकालना या बड़ा ऑपरेशन करना, या बहुत रिस्की ऑपरेशन हो जाता है, कई बार ब्लड चढ़ाने की भी नौबत आती है। तो इस तरीके की दुविधाओं से बचने के लिए जब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो एक अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लें, एक सोनोग्राफी, एटलीस्ट एक सोनोग्राफी ज़रूर करवाइए, और लगता है कि कई बार कुछ हार्मोन इन्वेस्टिगेशंस भी करवाने हैं तो वो भी ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो आपके परिवार का भी आप ध्यान रख पाएंगी। सोनोग्राफी और इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी हद तक हमें 90-95% तक डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिप है, या ओवेरियन सिस्ट है, या चॉकलेट सिस्ट है, या किसी प्रकार का और कोई कैंसर जैसी कोई बीमारी, या और कोई सूजन या PID किसी प्रकार की भी कोई बीमारी है या नहीं है। इसके अलावा बच्चेदानी के मुंह पे घाव की समस्या हो सकती है जिसको सर्विसाइटिस भी कहते हैं, तो उसके लिए पैप स्मियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि सर्वाइकल कैंसर को पैप स्मियर के साथ डायग्नोस किया जा सकता है बहुत ही अर्ली स्टेज में, और पैप स्मियर इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि बहुत सस्ता होता है और 3 साल के लिए वैलिड है एक बार करवाने के बाद, और ये रूटीन हेल्थ चेकअप में भी इंक्लूडेड है, तो पैप स्मियर अपने ज़रूर करवा लीजिए। जब आपका डायग्नोसिस बन जाता है तो डॉक्टर आपको उसका ट्रीटमेंट भी समझाता है, और जैसे ही आपको अपना ट्रीटमेंट समझ में आता है तो उसका तुरंत इलाज लेना चाहिए। होम रेमेडीज़ के तौर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप नॉर्मल जो पेन किलर मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकती हैं, बट फिर भी हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ट्रीटमेंट ना करिए क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पेन किलर्स के अलावा आप जैसे हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हॉट वाटर टब के अंदर आप बैठ सकती हैं, या कुछ योगा आसन बताए गए हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये सब रेमेडीज़ ऐसी हैं कि जो आपको परमानेंट रिलीफ नहीं देगी, आपका टेंशन भी कम नहीं करेगी, आपका बीमारी को भी नहीं पता करेगी। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल आपकी बॉडी के साथ हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, जो इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट की जाती हैं वो करवाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मैं समझती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होता है और आपको उसका अपना किस प्रकार से ध्यान रखना होता है। लास्ट एक ही बात और बताऊँगी कि हेल्दी फूड और हेल्दी
हैबिट्स के साथ में आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकती हैं, जिसमें कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, सुबह शाम दूध ले सकती हैं, दिन में आप दही छाछ ले सकती हैं। इसके अलावा 30 मिनट का एटलीस्ट अपने वॉक ऐड कर लीजिए अपने शेड्यूल के अंदर। तो ये कुछ बेसिक हेल्दी हैबिट्स हैं जो डाइट और आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आप ये अपनाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी हैबिट्स के साथ एक हेल्दी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। फिर मिलेंगे इन अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।